जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो पटवारी भर्ती हुई है उसमें इन विद्यार्थियों का हक और अधिकार मारा गया है। आज ये विद्यार्थी मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी समस्या को खुद सुनो और समझो कि आखिर में ये बच्चा कैसे इंदौर जैसे शहर में रहता है, पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर लाने के बाद भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। कारण ये है कि ये जो मेरे साथ में बच्चे बैठे हैं अधिकतर ट्राइबल से आते हैं और एसटी समुदाय से हैं। इनकी समस्या क्या है, इस समस्या को आप सुनना और समझना। ये वो लोग हैं जो अपने दो पैरों पर भी नहीं खड़े हो पाते और ना ही अच्छे से चल पाते हैं, पर अपना भविष्य बनाने के लिए भीख ना मांग कर पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के दम पे कुछ बनेंगे और नौकरी लगेंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। पर मुझे ये लगता है कि आज के समय में दिव्यांग होना सबसे बड़ा पाप है और ये लगता है कि इन बच्चों को बचपन में ही मर जाना था ताकि आज का इनको समय देखना नहीं पड़ता। अब आप बोल रहे होंगे, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये आदिवासी समुदाय के बच्चे बैठे हैं मेरे पास में, ये विकलांग हैं। आपको ये बात जान के ताज्जुब होगा कि जब इनको एग्ज़ाम देनी होती है तो इनको नंबर लाना पड़ता ओपन कोटे में जनरल के बराबर ही नंबर लाना पड़ता। अभी पीएससी का परिणाम आया जिसमें विकलांग का कट ऑफ गया कितना आपको पता होगा, 142, और एसटी का कट ऑफ गया 130। तो इन बच्चों का ये कहना, आप तो हमारा दिव्यांग कोटा हटा दो, आप कैटेगरी वाइज तो इनको सिलेक्शन देना चाहते नहीं हो, तो और भी कुछ मांगे हैं? ये बच्चे अपनी बातें रखेंगे, एक एक से यहाँ पे पूछते हैं कि क्या समस्या है इनकी और ये क्यों मिलने आए हैं, आखिर ये चाहते क्या है, ये सारी बातें। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बारी बारी से बात रखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ पहले ये गुड़िया रखें, ये लड़की नेट क्वालिफाई है और फिर भी तैयारी कर रही है कि नहीं यार कभी किस्मत जागेगी, कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ अच्छा होगा, पर उसके अंदर पोस्ट ही नहीं आती यार। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या भीख मांगे क्या आप? और इनका स्वाभिमान ये नहीं है कि ये लोग भीख मांग के पैसा कमाएं, ये लोग मेहनत करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, पर सरकार वो अवसर तो दे, सरकार वो अवसर ही नहीं देना चाह रही इन लोगों को। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम पूजा सोलंकी है, मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अभी वर्तमान में इंदौर में रहकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ। आपका नेट किस सब्जेक्ट से निकला है? सर मेरा नेट पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाई है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। तो आप क्या चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो? सर हमारी मुख्य मांग तो यही है कि सबसे पहले हम दिव्यांगों को कैटेगरी वाइज अलग अलग किया जाए, कोटा दिया जाए। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि इनको जो ओपन कोटा दिया गया है वो ओपन कोटा ना देकर आपको कैटेगरी वाइज कोटा देना चाहिए। आप और आप क्या कहना चाहते हो इसमें? सर मैं भी यही चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज कोटा दिया जाए सर, जैसा ओपन में होता है तो ओपन में सर हमारा कट ऑफ बहुत कम रहता है सर, तो उसमें ना तो ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है सर। ठीक है, और एक प्रश्न और है जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो फर्जी लोग अभी जो लगे हैं नौकरी में, तो आप क्या चाहते हो कि अगर उनको हटाते हैं तो वेटिंग के तौर पे हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हमारे को लेना चाहिए सर वेटिंग, पर इन्होंने वेटिंग तो दी नहीं आप लोगों की, सीधा डिस्क्वालीफाई बता दिया। तो फिर आप क्या करोगे, आप सरकार से मांग करोगे वेटिंग के? नहीं मांग करेंगे ना सर। तो ये वो बच्चे हैं साथियों जो हमारे बीच में हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप में से और कोई कुछ बात रखना चाहेगा? हाँ, आप क्या बात रखना चाहते, रखिए ना। सर किसी भी जो विभाग है उसमें ये हैंडीकैप क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्वालिफाई होने के बाद जिनका चयन होता है वो तो हो जाता है, लेकिन हैंडीकैप में वेटिंग लिस्ट भी नहीं देते हैं ये। वेटिंग में वेटिंग लिस्ट नहीं देते सर, वेटिंग लिस्ट नहीं देते, वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। यस सर। और अभी ये जो फर्जी पकड़ा है ये निकल जाएंगे, फिर भी वो पोत ये पत्तो बैकलॉग में चले जाएंगे। यस सर। और जो कोई से भी विभाग में हो तो हमारी सीटें कमित आती है, और आती भी है तो वो जनरल वाले ले जाते हैं, हमारा कंबाइन कर दिया गया तो इनको कैटेगरी वाइज कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। यस सर। और वेटिंग भी देना चाहिए, हैंडीकैप में भी वेटिंग देना चाहिए, जैसे सामान्य में तो अच्छे देते हैं। और कुछ आप में से भी आप में से और कोई बात रखना चाहता है क्या? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम दोनों पैर से विकलांग हाथ से चलते हैं और अब पढ़ाई कर रहे हैं। 2016 से कंपटीशन के पहले पटवारी में मेरे 59 नंबर थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ,
अभी पटवारी में मेरे कम नंबर आए थे, पर अभी वर्ग दो में क्वालिफाइड था, फिर भी डिसक्वालीफाइड हो गया नंबर नॉर्मलाइजेशन हाँ डिसक्वालीफाइड हो गया, बहुत सारे नंबर हो गया। सर अब कितनी तैयारी करना चाहिए, अब कोटे पास रहेगा तो हम कर सकते हैं, मतलब जितनी हम मेहनत कर रहे उतने नंबर तो आ रहे सर, और जनरल वाइज नंबर नहीं ला सकते ना सर। देखो ये विद्यार्थी का ये कहना है, व्यापम की एक सबसे गंदी बात बता रहा हूँ मैं आपको, व्यापम की एक सबसे गंदी बात बता रहा हूँ आपको, गंदी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इन बच्चों के हक अधिकार मारे जा रहे हैं। ये बच्चा वर्ग दो के अंदर एक के अंदर वर्ग दो के अंदर क्वालिफाई था, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कर दिए और एग्ज़ाम से बाहर कर दिया, तो आखिर अब ये जाएंगे कहाँ पर? अब इस लड़की का भी वर्ग एक क्वालिफाई था जी, मेरा पॉलिटिकल साइंस में भी 76 नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन में मेरे 73 नंबर किए गए हैं, और मैं अपने पैरों से 75 से ज़्यादा विकलांग हूँ, और इतना मेहनत करते हम जनरल वालों के बराबर बराबरी कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम शारीरिक रूप से भी इतने कमज़ोर है और आर्थिक स्थिति से भी है कमज़ोर है, तो क्यों नहीं हमारी बात सरकार को मानना चाहिए। सही बोलना है इनका कि शारीरिक तौर से तो कमज़ोर ही है, आर्थिक तौर से भी इतने कमज़ोर है कि इनका गुजारा भत्ता चलना ही बड़ी बात है। आपको गुजारा भत्ता भी मिलता होगा? जी बिल्कुल, कोई नहीं भत्ता नहीं मिलता हमको, 600 पेंशन मिलती है, 600 से कुछ भी नहीं होता है। 600 रुपये दे दो लाडली लक्ष्मी बहना में तो बेटा 1000-1000 रुपये मिल रहे जी उनको, मामा को तो बस यही है ना सर कि जो दिव्यांगों से ज़्यादा उनको अच्छे लोगों की फिक्र है, हमारा क्या है। तो ये आपने देखा कि ये बच्चे मेरे से आज मिलने आए थे, 600 रुपये इनको भत्ता मिलता है, 600 रुपये में इनको महीना निकालना है, और कोई ऐसा लाभ भी नहीं मिलता है जिनको कि ये लोग कर सकें। अब ये लोग प्राइवेट जॉब भी करने नहीं जा सकते क्योंकि प्राइवेट जॉब भी करने जाते हैं तो इन लोगों के लिए कोई जॉब होती नहीं है। तो वाकई में ये बच्चा वाकई में बहुत परेशान है, तो सरकार से मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही विनती है कि असली विकलांग ये लोग हैं यार, आप इनको नौकरी दो, आप वो फर्जी लोगों को नौकरी देते हो यार, जो चल रहे फिर रहे सब बढ़िया है, आप जांच करो, अगर वो लोग बाहर निकलते हैं तो इन लोगों को अवसर दो यार, और इनका कैटेगरी वाइज कोटा करो, आप लोग नहीं करते हो, और इन बच्चों का ये दर्द है जो मैं आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि इन विकलांग भाइयों की मदद करना चाहिए, तो आप सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो की लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग शायद कई ज्ञापन भी देने जाने वाले हो, किस तारीख को बता रहा था कोई? जी बिल्कुल, हम 31 तारीख को कलेक्टर कार्यालय इंदौर में ज्ञापन देने जाने वाले हैं। अच्छा, ये सभी विकलांग लोग रहेंगे, दिव्यांग? जी सभी दिव्यांग विद्यार्थी रहेंगे इसमें। देखो जो भी दिव्यांग विद्यार्थी हैं ये लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं 31 तारीख को, अगर आप लोग भी जाना चाहो, और जाना ही चाहिए, जो जो इस वीडियो को देख रहा है जिनको लगता है कि यार इन लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इनकी लड़ाई में आप लोग भी अपना सहयोग दें साथियों, और इन भाई बंधुओं की मदद करें आप, क्योंकि यार बहुत वाकई में इनको बहुत ज़रूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इनका साथ देना, और जो फर्जी लोग हैं उनको जेल में भेजने का भी काम करना, ताकि ऐसे लोगों का असलियत में हक मारा गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, और भारत माता की जय। साथियों।